सो गाइस अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग आए हुए हैं प्लाई हाउस पे और यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं सनमाइका और प्लाई। तो यहाँ पे सनमाइका हम लोग लिए हैं ब्लू कलर का और ग्रीन कलर का और यहाँ पे सारा प्लाई को ठेले पे लोड करके अभी हम लोग के घर पे ले जाया जाएगा। तो हेलो ऑल गाइस, अभी आप लोग देख सकते हो मैं अभी घर के पीछे साइड पे हूँ। तो अभी मैं सुबह सुबह उठ के आया हूँ और मैं अभी क्या करने वाला हूँ आप लोग को अभी मैं दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मेरे को ये काम करना है, तो चलिए अभी आप लोग को दिखाता हूँ। तो यहाँ पे गई सभी आप लोग देख सकते हो मेरा सभी शूज गंदा हो चुका है, तो ये सब अभी मैं धो रहा हूँ। अभी दो जोड़ा धो लिया हूँ, अभी ये सब बाकी है। तो सबसे पहले मैं यही सब काम अभी करूँगा। तो अभी बर्फ भी यहाँ पे लेकर आया हूँ, सरफ लेकर आए हैं, तो इस सब को अभी धोएंगे। तो ये बच्चा पार्टी लोग देखने आ गया, अभी ब्लॉगिंग शूट हो रहा था, तो ये लोग अभी पीछे साइड पे काम कर रहा है। क्या कर रहा है पीछे साइड पे तुम लोग, क्या कर रहा है? बदमाशी कर रहा खाली ना, देख सकते हो ये सब ये लोग क्या बनाया है यहाँ पे। ये लोग का खुरपाती देख सकते हो, बहुत बड़ा खुरापात है। तो चलिए गाइस आप लोग अभी बने रहिए, मैं ये सब काम कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आप लोगों के बीच में मिलता हूँ इस ब्लॉग पे। सो गुड मॉर्निंग ऑल गाइस, अभी आप लोग देख सकते हो मैं अभी जूता वगैरह सब कुछ को धो के आ चुका हूँ यहाँ पे। और अभी मैं गाइस आप लोग को बता रहा हूँ, जूता को मैं धोया हूँ, अभी आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे रखा हुआ है जूता। तो मैं अभी धो लिया हूँ, तो अभी मैं नहा के फ्रेश भी हो गया अपने भी, और उसके बाद अभी मैं जाने वाला हूँ प्लाई लेने के लिए किचन के लिए। आप लोग के बीच में आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग अभी चलते हैं प्लाई लेने के लिए, और प्लाई लेके फिर घर पे आएंगे और मिस्त्री क्या करेगा क्या नहीं आप लोग को सब कुछ दिखाएंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, काफ़ी ज़्यादा शानदार होगा। और आज को लगभग 1 लाख रुपया खर्चा है, तो 1 लाख रुपया उठा के रखे हैं, तो लेके जाएंगे और सामान खरीदेंगे। तो चलिए देखते हैं कितना खर्चा होता है। तो चलिए गाइस। सो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो हम लोग यहाँ पे प्लाई हाउस पे आ चुके हैं और यहाँ पे मिस्त्री अभी सब सामान ले चुका है और अभी हम लोग का सारा सामान जा रहा है। आप लोग को दिखाऊंगा, यहाँ पे सनमाइका व्हाइट वाला है और यहाँ पे ब्लू वाला है और इसके अंदर रेड वाला भी है, दिख नहीं रहा आप लोग को, जब होगा काम तब दिखेगा। तो हम लोग यहाँ पे सामान सब खरीद लिए हैं, आप लोग को यहाँ पे देख सकते हो ठेला में लोड हो गया है सब सामान। तो हम लोग अब काफ़ी ज़्यादा खुश हैं क्योंकि किचन का भी काम अब कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी सब कुछ हो गया, अब हम लोग भी निकलेंगे यहाँ से, मिस्त्री और हम ले जाएंगे यह सारा प्लाई को। तो गाइस आज को कितना खर्चा हो आप लोग सोच रहे हो, तो मैं अभी बता देता, अभी तक तो 42,000 हो गया है, 42,000 से ज़्यादा ही हुआ है, अभी और सामान बाकी है। तो चलिए अभी देखते हैं, और यहाँ पे आप लोग भी आके प्लाई ले सकते हो, अच्छा है काफ़ी, मतलब सही दाम पे मिलेगा। सो गाइस अभी हम लोग अपने न्यू होम पे आ चुके हैं, आप लोग देख सकते हो। तो अभी आप लोग को दिखाऊंगा हम लोग क्या क्या सामान लाए हैं, तो अभी आप लोग को मैं दिखाता हूँ। तो चलिए अभी मैं अभी चलता हूँ किचन पे, और अभी यहाँ मिस्त्री काम कर रहा है, आप लोग देख सकते हो सारा प्लाई का सामान आ गया। आ गया सर। तो आपका नाश्ता पानी हुआ क्या? नहीं, नाश्ता पानी तो हो चुका है। नाश्ता कर लिया है मिस्त्री, तो अभी काम हो रहा है, आप लोग देख सकते हो, मैं अभी दिखा रहा हूँ आप लोग को, यहाँ पे भी हो रहा है। तो अभी कंप्लीट होने में कितना दिन लगेगा पूछते हैं आप लोग के बीच में ही। थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम इसमें ज्यादा लगेगा बोल रहे हैं, तो देखिए अब क्या होता कब तक। बट घर उड़ाई जो है वो है, इतना खर्चा करके उड़ा नहीं रहा है, जो होता है ना पूजा होता ना घर का, वही कर गृह प्रवेश, घर उड़ाई भी बोलता है, गिरी और प्रवेश भी बोलता है। तो हम लोग वो कराएंगे, उसके बाद फिर न्यू होम पे हम लोग सब कुछ आ जाएंगे। कभी मिस्त्री देख सकते हो प्लाई को साट रहा है सनमाइका में, नहीं सनमाइका को साट रहा प्लाई में। तो चलिए अभी मिस्त्री को काम करने देते हैं, डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो अभी सारा सामान तो आ ही गया, मैं अभी गिरता बच गया। तो गाइस अभी यहाँ पे देख सकते हो सामान रख दिया है पापा जी ने, क्योंकि किचन में अभी काम चल रहा वहीं पे था ये सारा सामान। तो ये सब तो अब हम लोग ऊपर में चल जाएगा और हम लोग नीचे आ जाएंगे यहाँ पे। और एक टीवी भी मैं लेने वाला हूँ यहाँ पे हॉल के लिए सोच रहा हूँ, और एक सोफ़ा, कब होगा पता नहीं, वीडियो में बनाते जाऊँगा, मेहनत करूँगा और जल्दी से जल्दी सब चीज़ आ जाएगा। और मैं मतलब गाइस कुछ बात करूँगा आप लोगों से, तो थोड़ा मैं इधर पर आ जाता हूँ आप लोगों के बीच में, मैं थोड़ा सा कुछ बात करना चाहता हूँ। तो गाइस मैं बोलना चाहता हूँ यही, क्या जो लव मैरिज हम लोग किए हैं, तो देख सकते हो लव मैरिज में बहुत कोई बोलते हो लव मैरिज सक्सेस नहीं होता, तो आप लोग हम लोग को देख के मतलब कुछ सीख सकते हो, लव मैरिज भी सक्सेस हो सकता है। लव अरेंज क्या, खाली दोनों ओर से प्यार सच्चा होना चाहिए, चलेगा। तो आप लोग सोच रहे आज रोशनी ब्लॉग पे क्यों नहीं आई है,
तो वो मेरे से थोड़ा नाराज हो गई थी क्योंकि वो कल शाम को मेरे को बुलाई थी ब्लॉग बनाने के लिए, तो मैं चला गया था बाइक राइडिंग पे, इसी वजह से मैं ब्लॉगिंग नहीं कर पाया था। तो इसी वजह से वो बोले मैं नहीं सकूँगी सुबह सुबह ब्लॉग करने, अभी रेडी भी हो गई फिर भी, तो इसी वजह से मैं बोला आज अकेले ही ब्लॉग करते हैं और आप लोगों को मस्ती कराते हैं। तो गाइस अभी आप लोगों को यहाँ पे कुछ मैं दिखाऊंगा, तो आप लोग अभी देखिए कितना ज़्यादा अच्छा लगेगा आप लोगों को। तो चलिए, तो यहाँ पे गाइस आप लोग अभी देख सकते हो मैं जो आप लोगों को दिखाना चाहता था, ये पपीता का पेड़ है, पेड़ ही है, पौधा नहीं होता पपीता का। तो इसमें आप लोग देख सकते हो पपीता हुआ कितना बड़ा बड़ा, ये हम लोग नहीं लगाए अपने से हुआ है, आप लोग देख सकते हो नाली के किनारे। और ये वाला मर गया, इसमें फूल हुआ था, सिर्फ फल वाला नहीं था, तो अपने से मर गया ये, और ये जिंदा हो गया। और मैं जो लगाया था गाइस आप लोग को वो भी दिखाऊंगा। तो ये हमारा देख सकते हो सपनों का घर, जो कि अभी अधूरा ही रह गया, इस सबको तोड़ के उधर रखा जा रहा है इनका सब में, आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ, देख सकते हो। और ये मैं लगाया था, ये अभी तक बढ़ ही नहीं रहा, ये पपीता का पेड़ और ये चंदन का पेड़ है, लगाए थे हम लोग। और यहाँ सब बच्चा सब देख सकते हो बैठा हुआ है ये लोग दलाली कर रहा ना तुम लोग, यहाँ ये लोग काम कर रहा है, सब लोग देख सकते हो इतना मेहनत से। और सब ठीक छो ना? बहुत नटखट बच्चा है ये सब दोनों, देख सकते हो इसमें भी पूरा ईटा डाल दिया है, इसमें बनेगा सॉफ्ट टंकी जिसमें सारा पानी आ जाएगा और टान लेगा बाथरूम का। ये केला का आप लोग देख सकते हो ट्री जिसमें केला होता है, ये पूजा वाला केला का पेड़ है। और ये एक सिंगापुरी वाला है, और बहुत तरह था, अभी नहीं है पूरा, अभी आप लोग देख सकते हो ईटा बालू गिट्टी। तो क्योंकि अभी न्यू होम का काम चल रहा है, इसी वजह से मतलब थोड़ा सा गंदगी हो गया है, तो साफ़ सफाई धीरे धीरे करके हो रहा है, ये पूरा एरिया साफ हो जाएगा। तो ये स्क्रैप सब आप लोग देख सकते हो, ये सब आप लोगों को गाइस बताते इतना सारा कहाँ से, हम मेरा पापा जी का बिजनेस है ना, इसी वजह से हम लोग मतलब ये सब लेते हैं पुराना सामान, और फिर ये सब फैक्ट्री में जाता है, तो उसी वजह से हम लोग लेते हैं, फिर हम लोग का अलग माल आता है, फिर न्यू आता है कुछ रेट मतलब दे के 50% में। तो आप लोग भी देख सकते हो, आप लोग भी एक्सचेंज कर सकते हो, ये सब चीज़ एल्युमिनियम का है, सिल्वर का। तो गाइस अभी आप लोग देख सकते हो हम लोग अभी आ गए हैं दुकान साइड, आप लोग देख सकते हो यहाँ हमारा दुकान है। तो हम लोग अभी यहाँ पे, आप लोग सोच रहे हो क्या करना आए हैं, तो धूप अभी यहाँ पे दे रहा है, इसी वजह से बैठे हुए हैं। ऋत्विक भी अभी आ गया है देख सकते हो यहाँ पे, और ये हमारा भचरू भाई यहाँ बैठा हुआ है, धूप सेंक रहा है। तो हम लोग अभी आप लोग को अपना दुकान दिखा रहे हैं, कैसे दिख रहा है, कितना दिन बाद आप लोग देख रहे हो बताइए। तो एक सेकंड में आप लोग जैसे दिखाता हूँ। तो आज को तो मैं अकेले ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, आप लोग जैसे कि देखें, तो अकेले ब्लॉगिंग करने में भी कोई दिक्कत नहीं है वैसे। सो अभी मैं गाइस आप लोग को दिखा रहा हूँ, मैं ऋत्विक को अभी बुलाऊँगा, इधर देखिएगा वो कैसे करेगा। ऋत्विक आया बेटा, आया इफेक्ट मार रहा है, थोड़ा सा धूप में बैठा इसी वजह से, वो कैसे कर रहा देख सकते हो गाइस मेरे पास आने के लिए। आजा आजा, देखिएगा अभी। हाँ क्या हुआ, ए कैसे दिख रहा धूप तुम्हें, रे बेटा जागे दिखे। हेलो ए पहली नहीं जाके ग्रहण का दूर घर दिखे, बोल हेलो बेटा, हेलो टाटा। तो गाइस अभी मैं आप लोग को मतलब बहुत दिनों से मेरा आ रहा था रिटर्न, नहीं दिखाया हूँ, तो मैं अभी दिखाऊंगा, दिखाया था बट अभी मैं निकाला नहीं हूँ, देख सकते ये एक्सप्लेन होंडा, और ये आर आर 310 आपका भाई का, तो मेरा ड्रीम बाइक था आर आर 310 जो कि अभी मेरे पास से घर पे है। तो मैं गाइस ये सबको अभी नहीं चला पा रहा हूँ ठंडा के वजह से, उसी वजह से मैं घुसा कर रखा हूँ, मेरे को ठंडा में बाइक चलाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। राइडिंग पे कभी कभी निकलता हूँ बहुत ज़्यादा पहन के, टोपी चश्मा वगैरह उसके बाद। तो मैं ये ब्लूटूथ लिया हूँ, आप लोग देख सकते हो इसका प्राइस कितना है, आप लोग गेस कीजिए, लिफ्ट का लेवल का है, इसका प्राइस लिया है 1900 रुपया, झूठ नहीं बोलेंगे आप लोग। तो गाइस आज का ब्लॉग जो है यहीं तक रखेंगे, और अभी आप लोग को दिखाने के लिए अभी तो मेरे पास कुछ है नहीं, और मैं अभी दुकान में बैठूंगा, पापा भी अभी नहीं है दुकान में इसी वजह से। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक रखेंगे, अब नेक्स्ट ब्लॉग आएगा वो अच्छा आएगा,
और मज़ेदार रहेगा। तो प्लीज नेक्स्ट ब्लॉग भी आप लोग देखिएगा और क्या दीजिएगा। टाटा।